पूर्व बागवानी मंत्री एवं रामपुर के पूर्व विधायक सिंगी राम ने मुख्यमंत्री के रामपुर दौरे को सफल बताया है। पत्रकार वार्ता के दौरान सिंगी राम ने बताया कि वे 6 बार रामपुर के विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री भी पहली बार रामपुर के लिए इतनी बड़ी रकम की घोषणाएं करके गए हैं। सिंगी राम ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से धैर्य दिली दिखाते हुए घोषणाएं और शिलान्यास करके गए हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि वे ग्रामीण गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं और विकास को आखिरी व्यक्ति तक ले जाना चाहते हैं। सिंगी राम ने कहा कि वे 6 बार रामपुर के विधायक रहे हैं, बागवानी मंत्री भी रहे हैं, लेकिन पहली बार क्षेत्र के लिए इतनी घोषणाएँ हुई हैं। ये सब जयराम ठाकुर की दूरगामी सोच और विकास के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि 81 करोड़ की घोषणाएं रामपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि विकास कभी नहीं रुकता और ना ही कभी आवश्यकताएं घटती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने रामपुर की प्रमुख समस्याओं और मांगों को समझा है और उसको निपटाने का प्रयास भी किया है। धन्यवाद करता हूँ रामपुर की जनता की ओर से। कल जो उनका यहाँ दौरा रहा, सफल दौरा रहा, और उन्होंने यहाँ लगभग 81 करोड़ की सौगात यहाँ पर रामपुर की जनता को दी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और विकास की गति तेज लाने के लिए उन्होंने यहाँ दिशा निर्देश दिए हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस बात को भी लाना चाहूँगा कि यहाँ जो और कोई ज्वलन समस्याएं हैं या हॉस्पिटल की कुछ समस्याएं भी आई है, उनको भी मैं उनके ध्यान में लाऊंगा और स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में भी लाऊंगा। हॉस्पिटल की जो कोई अव्यवस्था का जो विषय मेरे ध्यान में आया है, इसके ऊपर भी हम पूरा पूरा ध्यान देंगे। तो इसके अलावा सेब को लेकर के भी आपके कुछ सुझाव हैं? नहीं, जहाँ तक आपकी बात, ये बिल्कुल सही है कि हिमाचल प्रदेश के खास विशेष तौर से जो हमारा ऊपरी हिमाचल है, वहाँ सेब के प्रोटेक्शन होती है। ज़िला शिमला है, ज़िला किन्नौर है, ज़िला मंडी का हिस्सा है और कुछ सिरमौर का भी है और चंबा का भी है, जहाँ सेब पैदा की जाती है। और सेब की जो यहाँ की जो प्रोड्यूस है, इसके ऊपर यहाँ की आर्थिकी लगभग 4-5 हज़ार करोड़ की इकॉनमी सेब के ऊपर निर्भर है। और मुझे एक चिंता का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके इस विषय पर चिंता जताई है कि बागवानों को इस साल उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है और उनका जो प्रोड्यूस है और उनको सही दाम से उनकी जो उस फसल का जो है सही दाम नहीं मिल पा रहा है, एक बिग कंसर्न है।